वेल, जिन लोगों को वीडियो का मेन टॉपिक पे जाना है वो इस टाइमलाइन पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बिग थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल या फिर कहे तो हमारा चैनल हिट कर चुका है 1000 सब्सक्राइबर्स। यस, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जितना थैंक यू बोलूं यार उतना कम, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर हिट करा दिए। और हाँ, एक और चीज, मैंने ये फोल्डर बनाया था 100 सब्स में, और मैंने ये चैलेंज लिया था कि जब तक मेरे 1000 सब्स नहीं होते मैं तब तक सभी फाइल्स एंड सभी वीडियोस रखूंगा, एंड वो फोल्डर लिटरली 73 GB का हो गया। सो लेट्स डिलीट इट। पता नहीं मैंने ऐसा स्टूपिड चैलेंज क्यों किया, दो बार पीसी खराब हो गया था यार मेरा। तो चलो डिलीट करते हैं, ये दबाया शिफ्ट और डिलीट। ओ मेरा अंगूठा इतना छोटा क्यों है, और ये दबाया शिफ्ट प्लस डिलीट एंड एंटर। अबे मुझे लगा कि यार प्रोसेसिंग दिखाएंगे। वेल डन, हट। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। गाइस, बैटमैन को कौन नहीं जानता, बैडस है, बहुत कूल है और टफ है, कमाल की स्किल्स हैं, बहुत अमीर है और थोड़ा पागल भी। टॉकिंग अबाउट गोइंग डाउन देयर एंड हैविंग सम फन, मेबी विद समवन स्पेशल। डेटिंग विद इन द टीम ऑलवेज लीड्स टू डिजास्टर। और इसके पास अपना साइड किक भी है, यानी था रॉबिन। जी हाँ, लेकिन रॉबिन ने बैटमैन को लेफ्ट कर दिया और अपने टाइटन टीम बनाई। क्यों लेफ्ट किया वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जैसा कि हमको पता है कि रॉबिन ने बैटमैन के साथ कितने पल बताए, कितने बेहतरीन मोमेंट्स गुजरे, और ये बात को ना ही रॉबिन डिनाई कर सकता है, ना ही हम और ना ही क्रिएटर्स। इसलिए शो में हमें सीक्रेटली बैटमैन का रेफरेंसेस देखने को मिले, जिन्हें हमने नोटिस नहीं किया था, लेकिन कुछ कट्टर फैंस ने नोटिस किया, और मैं उन्हीं रेफरेंसेस को बताने वाला हूं। और ये एक रिक्वेस्टेड कमेंट है, ये कमेंट किया है गेमिंग विद लवांच टीएसबी ने, थैंक यू फॉर द कमेंट। एंड शुरू करते हैं पहले रेफरेंस से, जो आता है प्रेंटिस वाले एपिसोड में। अब इस एपिसोड में बेसिकली जो स्लेट होता है वो रॉबिन को अपने जाल में फंसा लेता है, वो टाइटंस के अंदर एक वायरस चिप इंसर्ट कर देता है, और वो जब चाहे चिप को एक्टिवेट करके टाइटंस को मार सकता है, और वो रॉबिन को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो मैं जो कहता हूँ वो करो। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हेंटाई में किसी लड़की को फोर्स किया जाता है। एंड फिर रॉबिन वही करता है। अब बैटमैन का पहला रेफरेंस यहाँ पे आता है जब स्लेड उसको एक वेपन देता है, और स्लेड कहता है कि मुझे अपना पिता समझो, और रॉबिन कहता है कि मेरे पास पहले ही एक पिता है, और फिर बैट का जाते हैं, और यह रेफरेंस और कोई नहीं बल्कि बैटमैन का होता है। जी हाँ, रॉबिन बैटमैन को अपना पिता समझता है, और काफी सारे लोगों ने ये बात नोटिस नहीं की थी, लेकिन हमारे रियल फैंस ने कर ली। अब जब इसके बाद रॉबिन टाइटन से लड़ता है, तो जो वो जिस बिल्डिंग पे लड़ते हैं उस बिल्डिंग का नाम होता है वाइने एंटरप्राइज। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है जो बैटमैन डार्क नाइट पे दिखाई गई थी, एंड बैटमैन ने इसे खरीदा था। एंड अगला रेफरेंस हमको देखने को मिलता है द क्वेस्ट वाले एपिसोड में, जहां पे रॉबिन कतारो से लड़ता है, और कतारो ये कहता है कि मैंने महान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली है, क्या तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? तो जवाब में रॉबिन कहता है हाँ, मैंने भी किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली है। To warn you that I have trained with the best. It's only fair to warn you, so have I. एंड जब रॉबिन ट्रेनिंग के लिए जाता है उसी एपिसोड में, तो जब टाइटन रोकते हैं तो रॉबिन कहता है कि मैं पहले ही कि एक बेहतरीन शख्स के साथ ट्रेन हुआ हूं, और मुझे अभी भी और होना है। No problem, I can help you train. I got a new computer simulated fight sequence in the gym. I've already trained with the best. और रॉबिन को ट्रेन किसने किया, उसे कुंफू किसने सिखाया? Yes, none other than बैटमैन। और फिर आखिरी रेफरेंस होता है गो वाले एपिसोड में, जहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि कैसे सभी टाइटंस मिले, और पहले सीन में चोर चोरी करता है और हमारा रॉबिन उसे पकड़ता है, और वो चोर कहता है कि तुम तो उसके साथ होने चाहिए थे ना। तब रॉबिन कहता है पहले अपनी खैर मनाओ, और अब से मैं अकेले काम करता हूँ। Hey, this isn't your town. Aren't you supposed to be with... Just moved here.
And from now on, I work alone. तो ये तो क्लियरली बैटमैन का ही रेफरेंस था और इस सीन को काफी सारे लोगों ने नोटिस कर लिया। एंड इसके बाद हमको रेफरेंस नहीं दिखाए गए बैटमैन के, लेकिन हमको एक प्रोमो में इनका कोलैब दिखाया गया। जी हाँ, जहाँ पे बेसिकली ये अपने शो को स्पॉन्सर करते हैं। अब इसको ऑफिशियली तो किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लगता है। ऑलराइट गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को लाइक करना है एंड का लाइक मारने के बाद शेयर कर देना अपने दोस्तों के तक, उनको भी पता लगे कि भाई बैटमैन के रेफरेंसेस कहां पे हुए हैं। एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, अब 1K भी नहीं रहना भाई, अब हमको और भी आगे जाना है, बहुत बड़ा सफर पर है अभी भी। इसलिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाएंगे, बेल आइकन दबाने का कमेंट में सोचता है कि तुम लोग को कैसे लगे, तुम अगली वीडियो किस पे देखोगे, कमेंट करो यार, काफी अच्छा लगता है। वीडियो को टॉपिक सजेस्ट करो यार। और बाकी मैं तो तुम तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।